राज्यसभेमध्ये आज भाजपचे खासदार विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या कामावरती टीका केली. यावेळी त्यांनी वात्रटीकाकार रामदास फुटाणे यांच्या एका वात्रटीकेचं उदाहरण दिलं. यावेळी रामदास फुटाणे यांची कविता सुद्धा आता सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल होतीये. पहिल्यांदा बघूया काय आहे ही वात्रटीका. सहावा माळा. ते बॉर्डरवर गेले, सैनिकांचे मनोधैर्य वाढले. हे मंत्रालयात कधी जाणार? जाणारच आहेत, निश्चित जातील. शिवबाचे मावळे आहेत, जाणारच. कधी? लिफ्ट मोठी झाल्यावर. कशासाठी? सहाव्या माळ्यावर कार जात नाही. आता बघूया विनय सहस्त्रबुद्धे नेमकं काय म्हणालेत. सात सात घंटे लगते भाई साहब और रस्ते इतने खराब है जिसकी कोई मतलब चर्चा नहीं की जा सकती. ऐसी स्थिति में मान्यवर हमारे, मैं कोई ऐसी व्यंगात्मक टिप्पणी उस पद्धति से नहीं करना चाहता, मगर मैं न भी करूं तो महाराष्ट्र के कई कवियों ने किया है और वो कोई हमारे विचारधारा के नहीं है. एक कवि तो कांग्रेस की विचारधारा के हैं, रामदास फुटाणे जी. मैं उनका सम्मान के साथ नाम ले रहा हूं और उनकी प्रकाशित कविता है, मराठी में थोड़ा सा उसका मैं जिक्र करता हूं. फुटाणे साहेब क्या बोलते हैं, ते बॉर्डर वर गेले, यानी कौन बॉर्डर पर गया हमें पता है, वो बॉर्डर पर गए सैनिकों के मनोधैर्य बढ़ाने. ये मंत्रालय में कब जाएंगे? जाने वाले तो है ही, क्योंकि मावड़े हैं, एकदम नीडर है, मगर लिफ्ट बड़ी होने के बाद, क्योंकि लिफ्ट से कार अंदर जाती है और कार से फिर मंत्रालय के छठवे मंजिल पर वो जा सकते हैं. ये फुटाणे जी कहते हैं, हम नहीं कहते. वो तो कांग्रेस के हैं और बड़े नेता भी है और एक प्रतिभाशाली कवि है, पूरा महाराष्ट्र उनकी व्यंगात्मक कविताओं का मुरीद है, मगर लोगों को अब रह नहीं जा रहा. और मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने इस सरकार को बनाने में भूमिका निभाई, वो अगर अपने अंतर्मन को थोड़ा सा टटोलेंगे, उनको भी ध्यान में आएगा कि ये हम क्या करके बैठे, किस पद्धति की सरकार हमने बनाई.